दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। पटना के प्रसिद्ध ज्वेलर ग्रुप हीरा पन्ना ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, बड़े खुलासे की संभावना। पटना से इस वक्त की अब बड़ी खबर आ रही है, जहां नेताओं पर छापे के बाद अब इनकम टैक्स की टीम बड़े व्यवसायियों को टारगेट कर रही है। इसी के तहत पटना के प्रसिद्ध ज्वेलर ग्रुप हीरा पन्ना ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम रेड मार रही है। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी हालांकि पिछले 4 दिनों से चल रही है, मगर इसे गुप्त रखा गया था। इस बीच रेड के दौरान टीम को डाक बंगला चौराहा और बोरिंग रोड के 2 शोरूम से 25 किलो सोना और लगभग 50 किलो चांदी बरामद करने में सफलता मिली है। अब निगरानी की टीम उन सभी के कागजात जो सामान बरामद हुए हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है, क्योंकि टीम के रडार पर 50 करोड़ की संपत्ति का मामला सामने आया है, जिस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। टीम का मानना है कि 50 करोड़ के आयकर की चोरी हुई है। इसी को लेकर आज विभाग की टीम बोरिंग रोड और डाक बंगला स्थित हीरा पन्ना ज्वेलर्स पर लगातार छापेमारी कर रही है। टीम को वहां एक तहखाना भी मिला है, जिसमें छुपाकर भारी मात्रा में सोना और चांदी के भंडार मिले हैं। भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद होने के बाद पुलिस इसके कागजातों का मिलान कर रही है। वहीं पटना के अन्य जेवरात कारोबारियों में भी इससे हड़कंप मचा है। आयकर की जांच में 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा कई कागजात भी जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की टीम इसकी जांच में जुटी है। फिलहाल सभी कागजात की जांच के बाद और खुलासा होने की संभावना है। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, महज 24 घंटे में पुलिस ने किया स्कूल संचालक से रंगदारी मामले का उद्भेदन, 3 गिरफ्तार। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटे में ही पुलिस ने स्कूल संचालक से रंगदारी मामले का उद्भेदन कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि एक स्कूल संचालक से रंगदारी की मांग अपराधियों ने की थी। पुलिस ने इसे काफी त्वरित इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अब 24 घंटे में ही पुलिस ने स्कूल संचालक से रंगदारी मामले का उद्भेदन कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सदर SDPO अमित कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए सारी बातें बताई। यह है कि 19 तारीख को शाम में बहादुरपुर थाना में एक FIR दर्ज कराया गया, जिसमें ऑक्सफोर्ड स्कूल के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बहादुरपुर थाना अंतर्गत है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। भाई आपका दिख रहा है कि CCTV फुटेज में कि कोई जाता है स्कूल में, एक पत्र देता है, पत्र के द्वारा और मोबाइल नंबर के द्वारा, एक मोबाइल से संपर्क करके उनसे पहले पूर्व में 5 नवंबर को और फिर 18 तारीख को 19 तारीख को उनसे मांग की गई। उसके बाद CCTV फुटेज देखा गया और बाकी तरीके लगाते हुए अपनाते हुए हमारी पुलिस की टीम बहादुरपुर थाना की जो टीम है उसने SSP साहब के निर्देशन में जो तीनों अज्ञात के विरुद्ध ये FIR किया गया था, बट CCTV फुटेज और मोबाइल नंबर्स के आधार पर 3 अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर रामगंज दरभंगा के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर लोगों का स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित किया जाता रहा है। और एक बार फिर आज रविवार 20 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर ग्लोबल हेल्थ केयर के MD डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा उनके हॉस्पिटल में एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रकार के निःशुल्क जांच की सुविधाएं मरीजों को दी गई थी, जिनमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, PP, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, ब्लड प्रेशर और कंसल्टेंसी भी फ्री थी। और इस चिकित्सा शिविर में डॉक्टर नवीन कुमार और उनके टीम के द्वारा सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक मुफ्त परामर्श दिया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि लोगों
को अपने वजन, संतुलित आहार, योगा, व्यायाम और दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि डायबिटीज और उससे होने वाली परेशानियों से खुद को बचाया जा सके। और डायबिटीज की संपूर्ण जानकारी के लिए एक डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम भी आयोजित करवाया गया, जिसमें लोगों को डायबिटीज, डायबिटीज के प्रकार, उससे होने वाली बीमारियों, लक्षण, कारक और मधुमेह प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और बताया गया कि इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। इस निःशुल्क शिविर की जानकारी मिलने पर काफी दूर दराज से लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिनमें बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं भी विशेष रूप से शामिल होकर शिविर का लाभ उठाने पहुंचे थे। इस मौके पर शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, रोटरी क्लब दरभंगा के प्रेसिडेंट तनुज मेहता, सतीश सिंह, मिथिलेश महासेठ, बंटी बोहरा, वसंत मित्तल, करण सिंह, संजय सिंह, अली जी संकई लोगों ने अपने विचार रखे। लोगों ने भी काफी उत्साह बढ़ाया और ग्लोबल हेल्थ केयर के MD एवं उनके टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर नवीन जी के द्वारा और आज वर्ल्ड डायबिटिक डे पे इन्होंने जागरूकता के लिए ये चीज़ किया है, जो 14 नवंबर को जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में 1991 से ये स्टार्ट हुआ है, जो जागरूकता फैलाने के लिए कि इससे करीब करीब 40 लाख लोग, WHO के हिसाब से 40 लाख लोग हर साल डायबिटिक से मरते हैं। हार्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद से हार्ट का दिक्कत काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और उसमें क्या है कि आपको छाती में दर्द और गैस में कंफ्यूज रहते हैं, तो गैस जल्दी लगे, गैस ये है तो एक बार हमेशा अपना हार्ट का चेकअप करा लें, ECG करा लें, TMT करा लें। दरभंगा में अकेला केवल डायबिटीज़ के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, और चूंकि ये डायबिटीज़ वीक चल रहा है तो लोगों को अपने ब्लड शुगर, खान पान और डायबिटीज़ मरीज को जीवन यापन कैसी करनी चाहिए और उससे किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए डॉक्टर नवीन ने एक बड़ा शानदार कार्यक्रम किया और यहाँ पे आए हुए सारे मरीजों को इन्होंने इंडिविजुअली देखा। नवंबर के मंथ में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, बस किसी कारणवश हम लोग 14 नवंबर को ये प्रोग्राम नहीं रख पाए, इसी के लिए हमने आज डायबिटीज़ का कैंप रखा है, जिसमें निःशुल्क ब्लड शुगर, फास्टिंग PP, लीवर की जांच, किडनी की जांच और साथ में एजुकेशन और डाइट कंसल्टेशन भी दिया गया है। इसमें लगभग 150 मरीजों का पूर्ण इलाज हुआ है, इनकी सारी जांच की गई है। बहुत सारे नए मरीज जो है, जिनको पता नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आया है, फिर हम लोगों ने उसका उचित सलाह दिया है। आजकल भी जैसा कि पता है, डायबिटीज़ एक महामारी बन गई है और ख़ास करके इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये वर्ल्ड का एक कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के मामले में। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण है कि अभी के समय में बदली हुई जीवन शैली, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ आ रही हैं। लोग कोई भी शारीरिक काम नहीं करना चाहते हैं, चलना नहीं चाहते हैं। खान पान बहुत बड़ा मुद्दा है, खान पान भी हम लोगों का बहुत पहले से गड़बड़ हो गया है। पहले हम लोग मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे, लेकिन आजकल हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सही तरीके से अपनी जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में यहाँ बताया गया कि किस तरह से खाना पीना चाहिए और किस तरह से आप रहेंगे तो आपकी शुगर जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल रहेगी। ऊंची सोच, संकल्प और मेहनत से मिलती है सफलता, बोले नितिन विजय। दरभंगा में कैरियर गाइडेंस सेमिनार में उमड़े विद्यार्थी।
मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने रविवार को दरभंगा में विद्यार्थियों को करियर में कामयाबी के गुर बताए। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को जोश और जज्बे के साथ प्रेरक संदेश दिए और कोटा जाकर वहां की एनर्जी को महसूस करने का आह्वान किया। सफलता का विजय रथ अभियान के तहत दरभंगा के सीएम कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नितिन विजय ने कहा कि कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी ऊंची सोच है। जब तक हमारी सोच ऊंची नहीं होगी तब तक सफलता भी नहीं मिल सकती। सफलता की दूसरी सीढ़ी संकल्प और तीसरी मेहनत है। उन्होंने कहा कि सीखने की जो ललक बिहार के बच्चों में नजर आती है वह देश के किसी भी अन्य प्रदेश के बच्चों में दिखाई नहीं देती। मोशन एजुकेशन के फाउंडर नितिन विजय ने मोटिवेशनल सेमिनार में बताया कि मुझे पढ़ाना पसंद था, इसलिए IIT में पढ़कर भी मैंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। मोशन एजुकेशन की शुरुआत 7 दिसंबर 2007 को एक कमरे के फिजिक्स क्लास से हुई थी, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बन गया है। मोशन में हम हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और सीखने सिखाने के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की खूबियां हैं। अगर आप कोटा आते हैं तो आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास होगा। सेमिनार में पहुंचे अभिभावकों को उन्होंने कहा कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, वह भी आपको निराश नहीं करेंगे। ईश्वर 5 मिनट याद करो, ईश्वर रोज करते हो क्या? जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, I'm not going into religion, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो उसको रोज 5 मिनट याद करिए। जब हम भगवान को याद करते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है हमारा बुरा अच्छा। रोज माँ बाप को के पैर छुओ और उनको याद करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा उनकी बातें मानो थोड़ी छोटी और क्या। जैसे मेरी माता जी जब मैं पढ़ता था तो बोलती थी कि 4 बादाम भिगो के खाया कर। तुम्हारी मम्मी भी बोलती है क्या ऐसे? बोलती होगी 4 बादाम भिगो के? हो सकता है तुम्हारी मम्मी बोलती हो अंजीर खाया कर, ये खाया कर, पर ये तो बोलती होगी कि ये खाया कर दिमाग तेज होता है। अरे ये सुन लो, वो काम करा करो। जब मैं रोज 4 बादाम भिगो के खाता था और मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी तो पता नहीं दिमाग तेज हुआ कि नहीं हुआ, पर लगने तो लगा था कि तेज हो रहा है। अरे यस और नो? तो माँ बाप की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे पक्की बात। एक बात समझ लो अच्छे से, हालांकि फिर से मैं भावुक होने वाला भावुक नहीं होना चाहता हूं, बट फिर भी आपको काम याद मिलता हूं। जब मैं आपके जितना था ना तो मेरे टीचर ने मुझे बात कही तो मुझे ठीक है लगी, नॉर्मल मुझे नॉर्मल लगी ठीक। उन्होंने मेरे को बोला कि एक बात याद रखना। क्या क्लास में बोली उन्होंने? इनफैक्ट बंसल सर नहीं बोली, उन्होंने बोला कि जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप से, उससे 10 गुना ज्यादा वो तुमसे करते हो। मुझे लगा ठीक है हो गया ऐसा, मतलब मैं उसमें ज्यादा ध्यान, आज उस बात का मतलब समझ में आया क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? माँ बाप, उनसे ऊपर कोई और। मैं सही बताऊं तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी धनराशि या धरोहर क्या है, जब क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, जब मैं IIT में सेलेक्ट हुआ तो मेरे पिताजी के रिजल्ट आया कि गॉड सेलेक्टेड, तो जो चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट मेरे पिताजी के चेहरे पे थी, मैंने आज तक ऐसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ी धरोहर मैंने कुछ पाई। क्या आप भी अपने और जिस तरह से प्रेम उनको बच्चों ने दिया ये वाकई देखने लायक था और बहुत ही तगड़ा शानदार उनका प्रोग्राम रहा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दरभंगा से। अंदर से
पढ़ेंगे? दरभंगा में पहली बार आया हूँ और जितना प्रेम बच्चों का मिला है, मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिलना, व्यक्तिगत रूप से बताऊँ तो इतना ज़्यादा सम्मान मुझे बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बिहार की पावन धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दरभंगा ने इतना प्रेम दिया उन बच्चों के, उन अभिभावकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट मैं सेशन लेके आया हूँ तो वास्तविकता में बहुत मनोबल बढ़ा हुआ भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्देश्य ये है कि मोशन का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि हम शिक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल भी बनाएं, कस्टमाइज भी बनाएं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि हम अभी तक शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि हर बच्चे को सेम तरीके का कंटेंट दिया जाता है। मोशन का ये भी उद्देश्य हमेशा रहता है कि उसकी कमियों को देखकर उसके हिसाब से उसका कंटेंट बनाया जाए। तो जैसा कि आपने पूछा कि मोशन का उद्देश्य क्या है, तो हम अफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेशन वाली एजुकेशन की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में अगर ये बात बोलूं तो हम जिस तरह के कोर्सेज पे, जिस पे हमारी एक्सपर्टीज है, हम कोटा शिक्षा की काशी कहने वाली जगह से हम आते हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में है जो साइंस बेस्ड है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, हम K-12 के नहीं हैं, हम बोर्ड के लिए भी नहीं हैं, हम ऐसे एग्जामिनेशन जो साइंस बेस्ड हैं, यानी कि JEE, नीट, NTSC, KVPY, IGSO, ओलंपियाड्स, जिनमें साइंस का टच आता है और वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, उन सभी के लिए हमारी एक्सपर्टीज है। मैं आज उस भ्रम को ही तोड़ने आया हूँ कि पहली बात मोशन बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे लाता है कि जो भी लायक बच्चे हैं, कई बार बच्चे ऐसा पाल लेते हैं कि 1.5 लाख फीस है, 3 लाख रहने के लगेंगे, 4 लाख, 4.5 लाख कोटा में लगेगा। पर मैं आपको बता दूं बिहार के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे थे जिन्होंने मोशन के एग्जामिनेशन दिए और उनकी फीस सिर्फ 75,000-80,000, 50,000, कई तो पूरे फ्री में भी पढ़े, उनकी फीस कम लगी। और मैं मानता हूं कि वहां पे महंगे कमरे भी हैं, पर अगर हम ढूंढें और ढंग से, मोशन उसमें पूरा आपका साथ देगा, तो आप कम में भी आप आराम से अपना वहां पे जीवन यापन कर सकते हैं, आपको रूम मिल सकते हैं। ये तो वाली बात है कि आप अननेसेसरी बच्चे को बहुत लग्जरी देने का कोई मतलब नहीं है। 25,000 के भी कमरा है महीने का और 5,000 का भी कमरा है महीने का, 6,000 का भी कमरा है, तो आपकी जैसी अभी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आके आप कोटा में रह सकते हैं। पर शिक्षा की काशी है, वहां आते हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियां वहां से लिखी गई हैं, मैं भी उसका एक कह सकते हैं कि सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो जो मिला है कोटा की पावन धरती से मिला है, महंगा है ऐसा नहीं है, महंगे वालों के लिए महंगा है, सस्ते वालों के लिए सस्ता है। अगर आप काबिल हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मोशन भी आपका साथ देगा। घूस लेते रंगे हाथ धराए ड्रग इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार, छापेमारी में मिला सोने का कटोरा, चम्मच और ग्लास। सीतामढ़ी से यह बड़ी खबर है जहां घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। उसके पास अकूत दौलत मिली है, सोने के कटोरे में सोने की चम्मच से खाने वाले ड्रग इंस्पेक्टर के यहां सोने का ग्लास भी मिला है जिसमें वह पानी पीता था। विजिलेंस टीम ने जब छापा मारा तो घूसखोरी की रकम अपनी अय्याशी में उड़ाता हुआ वह रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास घूस के 2 लाख रुपए कैश तो मिले ही, साथ में जब घर की तलाशी ली गई तो सोने के बर्तन और जेवरात बरामद हुए। विजिलेंस की टीम यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। बताया जाता है कि सीतामढ़ी जिले के एक दवा दुकान के भौतिक सत्यापन के नाम पर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने रिश्वत की मांग की थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने मोटी रकम के तौर पर 2 लाख रुपए मांगे थे। मामले को लेकर दवा दुकानदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई की और मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। विजिलेंस की टीम ने सूचना मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से दवा दुकानदार विनोद कुमार सिंह से जहां 75,000 रुपए की मांग की गई थी, वहीं दूसरे दवा दुकानदार मुकेश कुमार से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। मुकेश कुमार द्वारा सीतामढ़ी स्थित आवास पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों ड्रग इंस्पेक्टर को विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की निशानदेही पर पटना स्थित ड्रग इंस्पेक्टर के आवास पर छापेमारी करने को लेकर विजिलेंस की टीम अपने 7 इंस्पेक्टर को लेकर रवाना हो गई।